हेलो नमस्कार, वेलकम यू ऑल ऑन द बायजूस एग्जाम प्रेप। मैं हूं आशीष ओगले और हमारी बात होगी एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। और टॉपिक ये है कि बेसिकली रॉस्बी वेव्स, यानी कि हमारी बात होने वाली है रॉस्बी तरंगों के बारे में। क्या होती है रॉस्बी तरंगे, इससे पहले कि एक्चुअली मैं आप लोगों को काफी डिटेल में डिस्कस करके बताऊं, प्लीज काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। दैट्स व्हाट क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो आज हम बात करने वाले रॉस्बी वेव्स के बारे में। और मैं बता देता हूं कि रॉस्बी वेव्स बेसिकली इट वॉज फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड बाय मिस्टर कार्ल गुस्ताफ अरविंद रॉस्बी। इसको सबसे पहले कार्ल गुस्ताफ अरविंद रॉस्बी ने पहचाना था। ही इज वन ऑफ द स्वीडिश साइंटिस्ट, ने कि स्वीडन के साइंटिस्ट थे। एक्चुअली सबसे खास बात, जैसे कि अभी आप मेरे पास में इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो हमारे पास में चल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि बड़े ही एक इंपॉर्टेंट एक्चुअली फीचर हमारे पास में आता है, और वो ये है कि द रॉस्बी वेव्स दे आर द काइंड ऑफ द जेट स्ट्रीम, यानी कि एक प्रकार की ये क्या है, ये एक प्रकार के जेट प्रवाह होते हैं। और कि ये जेट प्रवाह वास्तव में देखा जाए तो यहां पर कह सकते हैं कि दे कुड नॉट बी से डायरेक्टली एज द जेट स्ट्रीम, इन्हें सीधे तौर पर जेट प्रवाह नहीं कहा जा सकता, बट एक्चुअली व्हेन एवर द वेव्स जनरेट इन टू द जेट स्ट्रीम वी कॉल्ड एज द रॉस्बी वेव्स, यानी कि जब कभी भी जेट प्रवाह में तरंगे उत्पन्न होती हैं तो उन्हें ही हम यहां पर रॉस्बी तरंगों के नाम से पुकारते हैं। दैट इज जनरली अकर्स ड्यू टू द पर्टिकुलर ओके ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर एंड इक्वेटोरियल रीजन टू द पोल, मतलब विषुवती प्रदेशों से ध्रुवों की तरफ और ध्रुवों से विषुवती प्रदेशों की तरफ जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, एक्चुअली उसी के फलस्वरूप इस प्रकार की तरंगों की उत्पत्ति होती है। हालांकि इस वीडियो से इतना ज्यादा समझ में नहीं आ सकता, सो मैं इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करता हूं, व्याख्या करता हूं, समझाता हूं। लेट्स गो एंड डिस्कस हियर। यहां एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। डू अंडरस्टैंड, ऐसा मान के चलो कि द अर्थ इज फ्लैट, यानी कि पृथ्वी बिल्कुल फ्लैट है। यह है हमारे पास में 0 डिग्री का इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, ये है हमारे पास में 63.5 डिग्री की रेखा, दैट इज 90 डिग्री, मतलब यहां पर आ गया हमारे पास में नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव। सो डू अंडरस्टैंड, अब यहां पर क्या हो जाता है, ड्यू टू द सन रेस, यानी कि सूर्य की किरणों के कारण से बेसिकली द वेरी हीट हाईली इंक्रीज ओवर द इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा पर बहुत तेजी से ऊष्मा का उत्पन्न होता है, जिस कारण से सरफेस विंड्स स्टार्ट्स ब्लो अपवर्ड, जिस कारण से सतही पवनें जो हैं ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देती हैं, एंड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, यानी कि एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद में दैट बिकम कूल, यानी कि ये ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी होने के कारण से नाउ दे आर गो टूवर्ड्स द बोथ हेमिस्फीयर, यानी कि दोनों ही गोलार्धों की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। बट इन दिस वे, यानी कि इस तरीके से नाउ दैट पर्टिकुलर वार्म विंड्स, ये जो गर्म पवने होती हैं, ये जो वार्म विंड्स इनकी गर्म पवने होती हैं, आफ्टर सर्टेन पीरियड, यानी कि एक छोटी सी अवधि के बाद में दे सी टू द सिमिलर ओके टेम्परेचर, वो जहां कहीं भी एक समान मात्रा में तापमान को देखते हैं, दे आर स्टार्ट सेटिंग डाउन, ये वापस नीचे की तरफ बैठ जाती हैं, एंड स्पेशली दैट इज स्पेशली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा पर, एंड देन दे विल कम बैक टूवर्ड्स द इक्वेटर, और फिर वो वापस विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं, और इस तरीके से एक साइकिल निर्मित होती है, एक चक्र का निर्माण होता है। अ सिमिलर काइंड ऑफ द एक्चुअली साइकिल इज कंटिन्यू, इस बिल्कुल इसी प्रकार का चक्र आगे चलता हुआ दिखाई देता है, और यहां पर ये जो साइकिल है दैट इज गेटिंग कंटिन्यू, यानी कि ये चक्र पूरे तरीके से बनता हुआ दिखाई देता है। ये दरअसल जो हमारे पास में चक्र मैंने आपके सामने बना करके दिखाया है, इसमें हमारे पास में देखने को मिलता है कि कुछ पवने जो हैं वो इक्वेटर विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं, तो कुछ यहां पर ओके पोलवर्ड, यानी कि ध्रुवों की तरफ चलती हैं। सो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, यानी कि बात कर सकते हैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली जो पवने होती हैं, दीज आर वार्म, यानी कि गर्म होती हैं, जबकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली जो पवने होती हैं, दीज आर कोल्ड, यानी कि वह ठंडी होती हैं। और यहीं पर हमारे पास में पूरा कॉन्सेप्ट है अबाउट द रॉस्बी वेव्स। डू अंडरस्टैंड, सुनिएगा जरा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं अब यहां से आपको बता देता हूं क्या होता है। अब आप देखिएगा, सो बेसिकली यहां पर हमें देखने को मिलता है द विंड्स विच आर ब्लो फ्रॉम सरफेस टू द 12 टू 14 किलोमीटर ऑफ हाइट, मतलब सतह से 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो पवने चलती हैं, दैट वी कॉल्ड एज ए जेट स्ट्रीम, इन्हें हम जेट प्रवाह कहते हैं। जबकि द विंड्स विच आर ब्लोइंग नियर बाय द सर्फेस, यानी कि जो सतह के साथ चलती है पृथ्वी की, इन्हें हम कहते हैं सर्फेस विंड्स, ये कहलाती हैं सतही पवने। होता यह है कि बेसिकली द कोल्ड विंड्स एंड द वार्म विंड्स, मतलब यहां पर यह है हमारे पास में ठंडी पवने,
और यहां पर हमारे पास में आती है वार्म विंड्स यानी कि गर्म पवने। ये ठंडी पवने और गर्म पवने 66.5 डिग्री की रेखा के पास में मिलती हैं, एंड ड्यू टू व्हाट, जिसके कारण से क्या होता है अचानक, ओके द पर्टिकुलर वार्म विंड्स गेटिंग अपलिफ्टेड बाय द कोल्ड विंड्स, यानी कि ठंडी पवने गर्म पवनों को ऊपर उछाल देती हैं, और ऊपर उछालने के कारण से यहां चलने वाली जो जेट प्रवाह है, यानी कि जो हमारे पास में दरअसल जेट स्ट्रीम है, दैट इज गेटिंग डिस्टर्ब टू दैट काइंड्स ऑफ द सडन अपलिफ्टमेंट ऑफ द कोल्ड विंड्स, यानी कि जो हमारे पास में ठंडी पवने हैं, इन ठंडी पवनों के अचानक गर्म पवनों को उछाल देने से जेट प्रवाह प्रभावित हो जाता है, जिस कारण से यहां इस पर्टिकुलर एरिया के पास में कुछ तरंगों की उत्पत्ति होती है, यानी कि वेव्स जनरेट हो जाती हैं। इट मींस अ काइंड ऑफ द वीकेंसी, यानी कि एक प्रकार से एक व्यवस्थित हमें यहां पर स्थिति देखने को मिलती है, और यही व्यवस्था जो है हमें देखने को मिलती है जो कहलाती है रॉस्बी वेव्स, यानी कि रॉस्बी तरंगे। स्पेशली ये जो रॉस्बी तरंगे हैं दैट इज रनिंग, यानी कहां चलती हैं आप देखिएगा। सो बेसिकली यहां जैसे कि आप देख सकते हैं हियर ओनली, यहां पर ओके अगर आप देखें तो बेसिकली हमें देखने को मिलता है द पर्टिकुलर जो विंड्स हैं, ये जो पवने हैं, यहां आप देखिएगा बेसिकली आपको देखने को मिलती है जो पवने हैं दैट इज रनिंग वेयर, ये जो पवने हैं ये लगातार हमारे पास में ओके लगभग 66.5 डिग्री के आसपास चलती हैं, बट ड्यू टू द पर्टिकुलर विंड्स गेटिंग अपवर्ड, क्योंकि वो पवने ऊपर की तरफ उठती हैं उछालती हैं, दैट काइंड्स ऑफ द एचरी, ये जो हमारे पास में देखने को मिल रही हैं, ये जो हमारे पास में लहरें हैं यानी कि तरंगे हैं, ये निर्मित हो जाती हैं, टू विच वी कॉल्ड एज द रॉस्बी विंड्स, यानी कि जिन्हें हम यहां पर रॉस्बी तरंगों के नाम से पुकारते हैं। ये जो रॉस्बी तरंगे हैं, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है, मतलब ये जो यहां पर विशेषता है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर की विशेषताएं हैं, और उत्तरी अटलांटिक महासागर में जब ये विशेषताएं चलती हैं तो इन्हीं के कारण से ये बहुत बड़े स्तर पर होती हैं, दैट इज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, और बहुत बड़े स्तर पर होने के कारण से ही एक्चुअली हमें देखने को मिलता है कि दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड अफेक्ट थ्रू आउट द अर्थ, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी के ये मौसम या जलवायु को प्रभावित कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास में आती है वो ये कि दरअसल एक्चुअली ये जो हमारे पास में रॉस्बी तरंगे हैं, दिस रॉस्बी तरंगे जो हैं, इनकी उत्पत्ति का सबसे मूल कारण, सबसे महत्वपूर्ण जो रीजन है, दैट इज द प्लैनेटरी रोटेशन, मतलब ये हमारे पास में चलने वाली जो हमारे पास में ग्रह का घूर्णन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण से ही इनकी उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। द मोस्ट सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि दरअसल एक्चुअली यहां पर ये जो हमारे पास में रॉस्बी तरंगे हैं, अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में दे आर इन न्यूज, यानी कि समाचार में है लगातार। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, इन टू द एडवेंट ऑफ मॉनसून इन इंडिया, भारत में मॉनसून के आगमन के समय हमारे पास में सबसे बड़ा प्रभावित करने वाला कारक जो है वो है अल्नीनो इफेक्ट, यानी कि अल्नीनो प्रभाव। दरअसल कहते हैं कि हमारे भारत में अगर पड़ता है सूखा, इट मींस इफ एक्चुअली इन इंडिया वी जस्ट कॉल्ड द ड्रॉट, अगर सूखा पड़ता है तो वो सूखा पड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है अल्नीनो का प्रभाव। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज, यानी कि अध्ययन अभी हाल ही में हमारे सामने आया है, और ये कहता है कि अल्नीनो तो सामान्यतः हमारे पास में सूखा की एक सबसे बड़ी समस्या है, यानी कि ड्रॉट की प्रॉब्लम है, लेकिन उस समय ड्रॉट का क्या कारण होता है, यानी कि सूखे का कारण क्या होता है, व्हेन देयर इज नो एनी एक्चुअली द फिनोमेना ऑफ अल्नीनो इज टू प्लेस, यानी कि जब यहां पर अल्नीनो की घटना नहीं घट रही होती है, उसके बावजूद भी अगर सूखा पड़ता है तो उसका क्या कारण है। एक यहां पर कह सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार यह बताया गया है कि आउट ऑफ द 10 ऑलमोस्ट विदाउट द अल्नीनो सीजन द 6 ड्रॉट ऑकर्स ड्यू टू द रॉस्बी वेव्स। ऐसा कहा जाता है कि रॉस्बी तरंगों के कारण से ओके अल्नीनो के ऋतुओं के ना होने के बावजूद भी जो सूखा पड़ता है, 10 में से 6 सूखे का सबसे बड़ा कारण रॉस्बी तरंगे होती हैं। और वो क्यों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सो बेसिकली इस मैप यानी कि इस मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। सो यहां अगर मैं बात करता हूं तो दैट इज द अटलांटिक ओशियन, ये है हमारे पास में अटलांटिक महासागर।
और इसी अटलांटिक महासागर में हमने यहां पर अभी देखा था कि दरअसल रॉस्बी तरंगे या रॉस्बी वेव्स जनरेट होते हैं, और जब कभी भी ये रॉस्बी वेव्स जनरेट होती हैं तो इन रॉस्बी वेव्स का यानी रॉस्बी तरंगों का प्रभाव हमारे तिब्बत के पठार तक आ जाता है, और तिब्बत के पठार तक आने के कारण से दैट अफेक्ट टू द इंडियन मॉनसून, ये भारत में मॉनसून को प्रभावित करता है, विच जनरली कम्स अराउंड अप टू द सितंबर एंड अगस्त, जो अगर हम कहें तो लगभग सितंबर अगस्त के समय प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है। हाउ इज दैट, कैसे? तो यहां फिर एक बार हो कि दरअसल द रॉबी वेव्स आर रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि दे आर द काइंड ऑफ वेस्टर्लीज, यानी कि एक प्रकार के पछुआ पवन हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही हैं, और यही कारण है कि व्हेन दिस रॉस्बी वेव्स जनरेट, जब ये रॉस्बी तरंगे चलती हैं एंड दे हिट टू द तिब्बत, और जब वो तिब्बत के पठार को प्रभावित करती हैं, दैट एक्चुअली ट्रांसफर द कोल्ड वेव्स, वो एक प्रकार से ठंडी तरंगों को यहां पर, या फिर कह सकते हैं कि कोल्ड हीट यानी कि ठंडी ऊष्मा को वो अगर हम कहें तो इक्वेटर की तरफ, विषुवत की तरफ, विषुवत रेखा की तरफ यहां पर भेजने का प्रयास करते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, एक और बड़ी विशेषता, दिस रॉस्बी वेव्स डू नॉट कम टूवर्ड्स द इक्वेटर, ये विषुवत रेखा की तरफ आती ही नहीं, लेकिन दैट गोइंग टू गेट अफेक्ट टू द एडवेंट ऑफ मॉनसून, किंतु वो हमारे भारत में मॉनसून के आगमन को प्रभावित कर देती है, एंड वी रिसीव्स द ड्रॉट, क्योंकि अगर मानसून पवने भारत में नहीं आएंगी तो हमारे यहां बारिश कैसे होगी, मानसून कैसे होगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। मुझे बताइएगा हाउ डू यू फाइंड द वीडियो, यानी कि वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा, और सेशन को यहां पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके से लाइक कीजिएगा, और अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अगेन प्लीज कम टू द पैड रेगुलर क्लासेस ऑफ द बायजूस एग्जाम प्रेप मेरे साथ में आशीष ओकले के साथ। बाय बाय।